मानो ये बर्थडे बनी जा रहा। देखो दोस्तों आंसू भर गए आंखों में। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं सरयू नदी आपको दिखाने आई थी। तो ये देखिए दोस्तों, सरयू नदी काफी उफान पे है। जो नदी मैंने परसों इधर पे छोटी सी दिखाई थी, आज कितने इधर तक पहुंची है। लगातार बारिश है, कल शाम से लेके अभी तक बिल्कुल झमाझम बारिश। और सामने एक मकान, यहाँ पे जो मकान का आंगन है, बरामदा है, ये टूट गया है देखिए दोस्तों। और वहीं पे बगल पे घर है, तो यहाँ पे भी नुकसान हो गया है। और न जाने कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ होगा, पिछले साल तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो देखिए कितना भयंकर से हमारे सरयू नदी हो रही है। थोड़ी सी बारिश में भीग गई, इस साइड को आती हूँ। और आज हाई अलर्ट नहीं था, लेकिन हाई अलर्ट से भी ज़्यादा बारिश हुई। स्कूल गए थे बच्चे, ऐसी ही बारिश में, ऐसी ही बारिश है सुबह से, इससे भी ज़्यादा। अभी तो कम हो रखी है, झुमझुमी हो रही। और हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर बारिश में ऐसे तो जुएँ पड़ते हैं, छोटे छोटे वाले जुएँ पड़ते हैं, पता नहीं जुएँ पड़ेंगे, बिजली जैसी हो जाती बहन से। और तीन दिन पिछले दिनों हरेला से पहले हाई अलर्ट था, एकदम चमचमान भूख लगी थी। अभी तो दिन का खाना खाने का टाइम है, खाना बना दिया मैंने, खाना खाते और आपको नदी दिखा दिया मैंने। तो आज के स्पेशल खाने में है भिंडी छोली, बड़ी बड़ी की छोली बनाई, और बाहर मेरा तो थोड़ा सा मीठा बना। ये है मेरे इतने सारे छोली, और वो तो नहीं है मेरा, थोड़ा चाहिए था मुझे। और हाई अलर्ट में स्कूल में कैसा हुआ, गधेरा तो नहीं भरा था उधर ही फील्ड तो? हाँ, कीचड़ और था, प्रेयर नहीं किया आज हॉल में भी नहीं, हॉल में की। और बारिश के दिनों टीचर आते नहीं, आते पढ़ाने आते हैं। हाँ। और उधर से पानी मेरे सिर में टपका, छत टपक रही थी स्कूल की। भाई यार क्या छत टपके, छत को बंद नहीं कर सकते? चलिए खाना खाते हैं। हेलो दोस्तों, कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, आज है अगला दिन और शाम हो गई है। आज भानु का बर्थडे है, 19 तारीख है। मैं चली भानु को विश करने, शाम हो गया है तो मैं दुकान में ही थी। ये समय से बिजी काम हो रहा था बहुत ज्यादा, तो वहां चलते हैं, क्या क्या तैयारी हो रही है। वैसे मयंक के मम्मी ने दिन में ही बोल दिया था कि खाना वाना मत बनाना, तो वहां चलते हैं और सभी से मिलाते हैं और भानु से भी मिलाते हैं। तो मिले बर्थडे बॉय हमारे भानुमती भानुदेव से। हेलो, हैप्पी बर्थडे भानु। थैंक यू। आ गया फिर आज 19 तारीख तेरा बर्थडे। कितने दिन बचे थे तेरा? वो परसों 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं बोला था, दिन ही गिन रहा था। आज बहुत बड़ी पार्टी है ना, और इसी बर्थडे के उपलक्ष में कुछ शायरे आयरे बोलोगे हमारे दर्शकों को या नहीं बोलोगे? ये देखो दोस्तों, इतना अच्छा बच्चा, इतना फ्रैंक होना चाहिए बच्चे को। चलिए फिर सुनाइए, कोई सी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मत सुनाना, क्योंकि स्कूल वाले देखते हैं ना। तो क्या बोलेगा यार फिर? अब मैंने ऑप्शन तो तेरा वो कर दिया, इससे पूछे ना इसको। तो भानु शर्मा के अपने भाई के बर्थडे में एक शायरी तो चल तू बोल। तू अपने बर्थडे के दिन बहुत शर्मा था, बहुत खिंचतार कर रहा है, चलो मेरे को नहीं आती। दोस्तों मैं मांग रही बर्थडे के, वहाँ से 10 रुपए देंगे। गिफ्ट अपने आप रहेगा ना? गिफ्ट भी तो हो गया और इसका इसकी पेमेंट अलग से करोगे। हर हमेशा किट्टो और करिश्मा की डेकोरेशन रहती है हर जगह। और बड़ा वाला गुब्बारा फुलाते हुए इसका कुछ और ही आकार बन रहा है, हनुमान जी का गदा बनते हुए दोस्तों। ये आप क्या कर रही है? मैं ये खजाना ढूंढ रही हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? जरूरत है इनकी तो। वैसे तो ना बच्चे बलून ले जाते हैं, लेकिन मैं ये ले जा रही हूँ पहले ही। यहाँ पे बड़ा बड़ा चूल्हा आ गया है दोस्तों, सिलेंडर आ गया है। आज बहुत समय बाद जबरदस्त पार्टी होने वाली है। कुक है, लच्छी भैया, और एक से एक हमारे ये सभी सदस्य बैठे हैं एक एक करके लाइन में। फिर मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद। आज मैं आ गई हूँ, बच्चे खूब मजे कर रहे हैं, झड़फड़ हो रही है खूब ज्यादा। अभी मेरे को दुकान में जाना है, कुछ कपड़ा लेके आना है, और फिर दुकान भी बढ़ाऊंगी, फिर घर भी चलेंगे। दुकान से मैं घाघरा का कपड़ा लेके आई, ये किसी का ऑर्डर है, ऑनलाइन ऑर्डर है, और इसको मैंने सिलना है और देना है, तो इसे मैं कल सिलूंगी। और अभी दुकान भी मैंने बढ़ा ली है, अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों मैं थी मयंक लोगों के वहाँ भानु के बर्थडे में, आटा गूंथ रही थी, आटा के हाथ छोड़ के भागना पड़ा मुझे ऐसी, और कपड़ों में भी आटे लग रहा है, अभी तो झाड़ लिया। मतलब जो ऐसी खबर थी ना, वो हमारी होश खो देने वाली थी। क्या तो हम अब बर्थडे में नहीं जा पाएंगे, और
बस अपने घर घर आ गए सारे हमारे अड़ोस पड़ोस बिरादर लोग, भानो लोग तो अलग हुए, वो किराए में रहते हैं यहाँ। और हमारा जो है ना कोई गुजरने वाला था, मतलब बुजुर्ग सयाने थे तो वो गुजर गए हैं अचानक नहीं, बीमार थे कब से हल्द्वानी थे, तो वो वहाँ गुजर गए, अभी घर ला रहे हैं उनको। तो हमारा हो गया है पोपट, अब हम बर्थडे में नहीं जा पाएंगे। नमूने तो गिफ्ट भी ले लिया था, दे के भी आ गया था, और मैं आटा गूंथ रही थी, आटा गूंथते गूंथते ही खबर आई, ऐसी दौड़ लगाई ऐसी हाथ छोड़ के, तो ऐसा हो गया फिर अचानक से। तो बहुत बुरी खबर है, बानू के बर्थडे में हम शामिल नहीं हो पाएंगे, देखते हैं साइड से थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी तो बनाऊंगी, मतलब इधर उधर कोने काने से तो जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर टच वच नहीं कर सकते हैं। बाकी अभी खाना भी बनाते हैं, 8:30 हो गया है, वो लोग बोल दें कि रोटी बनाएंगे, पूरी उरी नहीं खा सकते हम, अब ऐसे तला तुला वाला चीज़ें नहीं खा सकते हैं, और तो वो बोल दें कि रोटियां बनाएंगे वहीं पे, और उनके लिए पूरियां बन रही थी, आटा गूंथ दिया था मैंने इतना। तो हमें जितने भी हम यहाँ पे रहते ना उन्हीं के परिवार बहुत ज़्यादा थी, वो तो किराए वाले लोग 2-4 मतलब थोड़े से इधर उधर के लोग उतने ही थे, बाकी तो आटा भी ज़्यादा गूंथ दिया था, तो उसका आप देखते हैं रोटी बनाएंगे रहते तो वही करेंगे, हम तो साइड ही हो गए हैं फिर इस काम से, बस थोड़ा सा मूड ऑफ हो गए हैं। नमो से पूछते हैं कि नमो का मूड कैसा है, तेरा मूड कैसा है? हाँ नहीं। तुझे नहीं पता, तुझे तो तू अभी सोच रहा है कि और जाएंगे ही वहाँ। और ये हैं नमो के क्लासमेट रौनक कोरंगा और नित्या दानू, नित्याश्री दानू। दोस्तों नमो के दोस्त चले गए हैं क्योंकि केक कट हो रहा है, नमो बोला हम नहीं जा सकते, केक ला दो, केक ला दो हो रही है, चाउमीन भी लाना। चाउमीन किसने बनाए हैं? पूरियां हो रहा है, बन रहे हैं पूरियां, हम नहीं खा सकते और क्या यही होता है फिर, जो नियम होते हैं। चल बाहर से देख के आएंगे साइड से कोने से, आ जा। तो दोस्तों यहाँ ने फिर भी बहुत बड़ी जनसंख्या है, देखो चप्पलों से आपको पता चल रहा होगा, और यहाँ पे प्रोसेस में लग गए हैं ये सभी लोग। तो ये हैं सारी हमारी बिरादरी को छोड़ के सभी किराएदार लोग, और यहाँ केक कट हो रहा है। हैप्पी बर्थडे बानू, कितना बड़ा केक है तेरा, गिफ्ट भी बहुत आए हैं। दोनों भाइयों का जबरदस्त हो रहा है। चलिए दोस्तों मैं तो यहाँ से चलिए, नमो ले चलिए केक पकड़, केक पकड़, नमो केक पकड़, नमो केक पकड़। तो दोस्तों भानु का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, बाकी तो खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे और क्या, हम तो बस ऐसे ही अभी रोटी बनाती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा हुआ कल सुबह के लिए मैंने चने बॉयल कर दिए थे नमू के टिफिन के लिए, तो उसको फ्राई वो करेंगे, केक लाओ। तो अभी हमारा सादा जाना साइड से मांगना, केक लावा। मैं क्यों लाऊ यार, माए से अच्छा थोड़ी लगता है। तो दोस्तों थोड़ा रोले, मैं बर्तन में अटैच कर दूंगा, थोड़ा रोले मानू ये बर्थडे बनी जाने। देखो दोस्तों आंसू भर गए आंखों में। तो हम भी इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, 2 दिन का मिक्स ब्लॉग था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा तो मूड ऑफ हो गया दोस्तों, फिर अच्छा सा भी नहीं लगता है। मेरे लिए केक लाना, ला देंगे यार, कम हो रही इसको, जा वहीं पर जा, छोटा सा केक है वो दे देंगे, बुरा सा लगता है बच्चों का तो मन करता ही है बस, हम तो अपने मन को ऐसे ही मना लेते। बड़ी मस्त पूरियां बन रहे हैं ऐसे गोल मटोल बट्टू ऐसे, अच्छा होता है मतलब ऐसे समाज में कितने समाजवाद जो पार्टी हो रही थी हमारे गलती में। नमू बोल रहा आज ही क्यों मरे, जिसका दिन आ जाता है ना दोस्तों वो नमू दोस्तों कह रहे, जिसका दिन जब आता है ना वो तभी गुजर जाते हैं। ये सार्वजनिक परिवार में बड़ा सा काम आजकल, कितने समय से आपने देखा होगा, नहीं तो लगातार पार्टियां होते रहते, कितने समय से जो मयंकी माँ और इनका भी पहली बार ही था पता है, और समय तो चौमिन समोसे वगैरह कितने सालों से भानु और मयंका बर्थडे मनाते और वही खाते थे चौमिन समोसे वगैरह। इस बार उन्होंने कहा चलो खाना ही बना लेते हैं, पनीर वनीर और चने पूरियाँ और रायता और ये चीज़ें सोची, पर हमारा जो मेरे दिन में ये हो गया, ऐसा हो गया हमारे लिए, चाउमीन क्यों नहीं बनाए, समोसा क्यों नहीं बनाया, बस पूरी। ओ
चौमिन समोसा भी बनता तो तब भी नहीं खा पाता। क्यों? तो बस दोस्तों क्या करें, मूड ऑफ हो गया है। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। रोना आ रहा है, अब मैं कल स्कूल नहीं जा सकता। दोस्तों नमू के मन की होगी स्माइल। तेरे वजह से उसने भी और उसकी दोस्त ने भी डांट खाई। यहाँ आके चिल्ला रहे थे केक टेस्टी था, केक टेस्टी था। ऐसे डांट मारी आप आ गए। वो आ गई। डांट खाने के बाद